शिमला के मशहूर बुक कैफे में अब नहीं दिखेंगे कैदी, नगर निगम ने निजी हाथों में सौंपी चाबी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के बुक कैफे में जेल सुधार गृह में सजा काट रहे कैदी अब यहां पर नजर नहीं आएंगे। नगर निगम शिमला ने बुक कैफे को जेल डिपार्टमेंट से लीज खत्म होने के बाद ताला जड़ दिया गया है और साथ ही जेल डिपार्टमेंट ने सोमवार को नगर निगम शिमला को बुक कैफे की कमान भी सौंप दी है। अब नगर निगम इसी सप्ताह बुक कैफे को निजी हाथों में सौंपेगा। दरअसल नगर निगम शिमला ने बुक कैफे में अपनी आय बढ़ाने के लिए निजी हाथों में सौंपने का निर्णय लिया है। निगम ने जिसके लिए सितंबर माह में टेंडर निकाले थे और टेंडर प्रक्रिया के दौरान ये कैफे फूड चेन चलाने वाले एक कारोबारी के हाथों में लग गया है। कारोबारी अब जल्द ही नए सिरे से बुक कैफे की कमान अगले 10 साल तक संभालेगा। बुक कैफे चलाने की एवज में कारोबारी को एक साल में करीब 14 लाख रुपए निगम को चुकाना होगा और नगर निगम की महापौर कुसुम सदरेट ने बताया है कि साल 2017 में स्थापित किए गए पहले बुक कैफे को नगर निगम ने जेल विभाग को चलाने के लिए दिया था और बुक कैफे में खाने पीने से लेकर मनोरंजन और पढ़ाई से संबंधित चीजें बेची जाती थी जिसका लाभ जेल विभाग को होता था, लेकिन नगर निगम शिमला को कोई भी आय नहीं हो पा रही थी। अब निगम ने अपनी आय को बढ़ाने के लिए इसे लीज पर दिया है जिससे निगम को सालाना करीब 14 लाख की आय होगी और जाहिर है कि निगम इस आय को शहर के विकास कार्यों पर खर्च करेगा।